बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 10 बजे भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात एनसीबी के दफ्तर में बनी एक कमरे की अस्थायी जेल में रखा गया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं लाया जाता है, इसलिए रिया को एनसीबी लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए 22 सितंबर तक जेल भेज दिया। ड्रग्स खरीदने और रखने के मामले में कल एनसीबी द्वारा गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की टीम एनसीबी दफ्तर से जो है वो भाईखला जेल, जो महिला जेल है, वहाँ के लिए रवाना होगी। जो जानकारी मिल रही है कि करीब 9 से 10 बजे के बीच में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम इसी दफ्तर से, जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट इलाके में, जहाँ पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती को रखा गया है, क्योंकि कल कोर्ट में जब हियरिंग हुई थी तो एनसीबी की तरफ से जुडिशियल कस्टडी देने की जो मांग की गई थी कोर्ट से, उसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को भेजा था, लेकिन रात होने की वजह से जो है कोर्ट ने यह भी आदेश दिया एनसीबी को कि इसी दफ्तर में जो है एक कमरे को जेल बना दिया जाए और रिया चक्रवर्ती को यहीं पर रखा जाए। तो कल की रात उनकी इसी इमारत की जेल में गुजरी है, और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक आज जो है करीब 9 से 10 बजे के बीच इसी इमारत से एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को लेकर निकलेगी और भाईखला जेल, जो महिला जेल है, वहां पर जो है उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि होगी रिया चक्रवर्ती के वकील ने जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो एनसीबी की टीम इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर निकले, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो उन्हें भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे दो सहयोगी एनसीबी दफ्तर से लाइव मौजूद है, अरुण सिंह है और दिवाकर है। सबसे पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण, पहला सवाल मेरा यह है कि कैसे गुजरी पहली रात रिया की एनसीबी लॉकअप में? देखिए, रिया चक्रवर्ती को कल गिरफ्तार कर लिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसके बाद अपने दफ्तर के यहीं चौथी मंजिल पर लॉकअप है, उसको अस्थायी जेल आप कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी बेल प्ली और उसके बाद उनको एक तरह से जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला कर लिया 14 दिन, उसके बाद उनको जाहिर सी बात है कि वो घर नहीं जा सकती थी और इसलिए अस्थायी जो जेल बनाई गई थी, हालांकि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लॉकअप ही है, लेकिन अब उसको नाम दे दिया गया अस्थायी जेल, क्योंकि अगर आपकी बेल प्ली रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद आपको सीधे जेल जाना होता है। सेशंस कोर्ट में उनकी बेल प्ली पर सुनवाई होगी और अभी हमारे सहयोगी दिवाकर ने बताया कि जो लीगल टीम है, सतीश मानसिंधे उनके वकील हैं, उसकी एक सदस्य यहाँ पर आई थी कपड़े लेकर के, और उन्होंने जो जमानत की अर्जी है उस पर दस्तखत भी उनके लिए हैं, यानी एक बार फिर अप्रोच सेशंस कोर्ट में करेंगी रिया चक्रवर्ती बेल के लिए। अगर उनको वहाँ से बेल मिल जाती है तो वो घर जा सकती है, वरना यहाँ से सीधे उनको भाईखला जेल जाना पड़ेगा। और आज की रात आप पूछ रही थी कैसे गुजरी, तो जेल में किसी की जैसे पहली रात गुजरती है, मुश्किलों भरी होती है, उदासी होती है, उसकी परेशानी होती है, तो रिया चक्रवर्ती भी उससे अछूती नहीं, उनको भी रात भर नींद निश्चित रूप से इस जेल में नहीं आई होगी। पहली बार वो जेल गई हैं अपने जीवन में और इसलिए स्वाभाविक है कि उनको नींद ठीक से नहीं आई होगी, लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे के अंदर तय हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती अपने घर जाएंगी या फिर यहाँ से भाईखला जेल जाएंगी, वहाँ महिला जो जेल है उसमें उनको भेजा जाएगा अगर उनकी बेल प्ली रिजेक्ट हो जाती है तो। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल दिवाकर से है। दिवाकर, सेशंस कोर्ट में सुनवाई है लगभग 10 बजे, 10 बजे ही भाईखला जेल भी शिफ्ट होना है, तो क्या पहले सेशंस कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उसके बाद ही भाईखला जेल ले जाने का फैसला होगा? जसप्रीत, जब कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी तो खुद डीजी जो अशोक जैन है वो सामने आए थे मीडिया के, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि 10 बजे का वक्त रखा गया है जब उनको एनसीबी दफ्तर की जेल से जो है, जो अस्थायी जेल है, वहाँ से भाईखला की जो महिला जेल है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जो सेशन कोर्ट है वो 11 बजे के आसपास खुलता है, और ऐसे में एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है कि क्या कोर्ट अपने फैसले में रिया को बेल देता है या फिर जेल देता है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर सकती है, क्योंकि अगर सेशन कोर्ट से जो है उन्हें बेल मिल जाती है तो फिर वो यहां से सीधा अपने घर जाएंगे, लेकिन अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सीधा उन्हें भाईखला जेल जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा।
जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि जो उनकी लीगल टीम की सदस्य है आनंदी फर्नांडिस, जो कि सतीश माने सिंधे जो रिया के वकील है उनकी असिस्टेंट है, वो यहाँ पहुंची थी थोड़ी देर पहले अपने हाथ में बेल का जो पेपर है जो उस पर रिया चक्रवर्ती का साइन जरूरी होता है बेल अप्लाई करने के लिए, उस पर उन्होंने सिग्नेचर लिया है और साथ ही साथ कुछ कपड़े भी अपने साथ वो लेकर आई थी रिया चक्रवर्ती के लिए जो उनको दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ वो यहाँ से निकल चुकी हैं और थोड़ी देर में बेल अप्लीकेशन जो है मुंबई के सेशन कोर्ट, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है सेशन कोर्ट की, तो जाहिर तौर पर वहाँ से ये अप्लीकेशन फाइल होगी और देखने वाली बात होगी। रिया चक्रवर्ती को वकील लगातार ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि रिया चक्रवर्ती यहां से अपने घर जा पाए अगर उनको बेल मिलती है, नहीं तो फिर उसके बाद विकल्प यही बचेगा कि उन्हें भायखला शिफ्ट किया जाएगा एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। रिया से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खबर है कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती बहुत रोई थी। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिया की पेशी हुई और जैसे ही उसकी जमानत की अर्जी खारिज हुई वो रोने लगी। वो रोते हुए बोली कि बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं तो सिर्फ उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है। बताया गया कि पेशी के समय बचाव पक्ष के 2 वकील मौजूद थे। कोर्ट में रिया से पूछा गया कि पूछताछ में कोई दबाव तो नहीं बना रहा था, जिस पर रिया ने नहीं का जवाब दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके बाद रिया खूब रोई। रिया को रोता देखकर उसका भाई शोविक भी खूब रोया।